हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल जी टेक्निकल। दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हो किसी अदर चैनल पर, या फिर आप अपने चैनल को नया चैनल है उसको प्रमोट करवाना चाहते हो, आप व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, वॉच टाइम नहीं बढ़ता, अगर दोस्तों आपका एक नया चैनल है या फिर आपके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर करना है, अपने चैनल को प्रमोट करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रिएटर्स पर प्रमोट करवाने की आप कोशिश करते हो, लेकिन वहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है, यानी कि वो आपके कमेंट को भर भर के आप कमेंट करते हो, उनको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, लेकिन वो आपके कमेंट को इग्नोर करते हैं, यानी कि देखते तक नहीं है, उसका रिप्लाई भी नहीं देते हैं। ये समस्या सभी के साथ है, आपके साथ नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पर इसके सलूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको सुनकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, और इसको यूज करने के बाद आपको किसी को भी यहां पर मनाना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा प्रमोशन कर दीजिए, मेरा प्रमोशन कर दीजिए, या फिर आप कुछ भी यहां पर जो भी अभी तक ट्राई करते आए हो उससे हटके मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो प्लीज यार, इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा मैं कौन कौन सी ट्रिक बता रहा हूं, किस तरीके से यूज करना है, और किन क्या क्या होंगे उसके फायदे, और क्या क्या होते हैं नुकसान, आप कुछ कुछ गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप प्रमोशन करने के बाद भी आपका चैनल प्रमोट नहीं होता है। अब भाई ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, यहां पर आपको जवाब मिलने वाला है, तो जानने के लिए देखते रहिए पूरे वीडियो। मेरा नाम है सवाज खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीन जबरदस्त टिप्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ एक चीज़ ऐसी है जिससे आप अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा और बहुत जल्द से जल्द व्यूज़ इकट्ठे कर सकते हो। अब भाई कौन सा तरीका है, तो प्लीज़ यार वीडियो को वॉच करिए। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं नंबर वन ट्रिक की ओर। ये क्या है भाई, सबसे पहले आप क्रिएट करते हो चैनल और आपके पास नहीं रहता कोई भी ऑडियंस, और आप क्या करते हो उसकी लिंक कॉपी करते हो, और भाई धड़ाधड़ आपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर कर दी। तो ये भैया सबसे बड़ी गलती करते हो, और सबसे पहले तो मेन गलती ये है कि आप अपने रिलेटिव के पास ये पहुंचाते हो लिंक्स। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं, यानी कि जो आपके रिलेटिव होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने में तो आपको लगेगा कि भाई ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपका वीडियो ही नहीं देखते, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, मित्र मंडली भी कुछ ऐसा ही सोचती है कि भाई आ गया भाई, अब तू बनेगा बड़ा यूट्यूबर। तो इस तरीके की सोच रहती है, ये 100% श्योर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुँह से आप यही बात सुनोगे कि शुरू में उनकी वैल्यू कोई नहीं रखता था, जब वो बड़े हो गए तो सभी उनकी वैल्यू करने लगे। तो यहां पर आपको अब क्या करना है, तो इस वीडियो को देखना है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। तो आपको सबसे पहले करना है YouTube, जो भी लिंक है YouTube की आपकी वीडियो की, उसको लिंक को कॉपी कर लेना है। अब दोस्तों कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी फेसबुक है, सबसे पहले बहुत अच्छी चीज़ है फेसबुक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करते हो, आप फ्रेंड्सों के साथ शेयर करते हो या फिर कोई पोस्ट कर दी, इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है, जो उसमें कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। उनको ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन में क्या होता है, उनमें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लोग जुड़े रहते हैं, जो भी यूट्यूब की वीडियो देखना चाहते हैं। तो उन जो भी आपकी कैटेगरी हो, जैसे कि कोई नॉलेजबल हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर आपकी कॉमेडी हो, या फिर कुकिंग रिलेटेड हो, सभी कैटेगरी यहां पर मिल जाती है, बस आपको सर्च करना है, उस पर ज्वाइन होना है, बस एक दो दिन लगेंगे आपको बहुत सारे जो भी ग्रुप्स हैं उनको जुड़ने में। आपको बस उन पर डेली एक पोस्ट कर देना है उसी तरीके की, और उसमें कुछ अच्छा अच्छा टाइप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो अदर ऑडियंस है, जो आपको नहीं जानती, वही आपको सब्सक्राइब करेगी और वही आपकी व्यूवर्स बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जो अपने लोग होते हैं वो तो यहाँ पर भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपने लोग बाद में काम आते हैं, पहले तो कोई दूसरा ही काम आता है, YouTube की ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, आजू बाजू वाले आपके पहले साथ नहीं देंगे, सबसे पहले साथ देगा तो जो आपको नहीं जानता, आपके सिर्फ कॉन्टेंट के लिए आपको जानता है, तो उसके पास आपको कॉन्टेंट पहुँचाना है। तो इस तरीके से आपको शुरू में थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो पेड भी बताऊँगा एक, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप फ्री को जान लीजिए। सो दोस्तों अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी ट्रिक। तो इसको यूज़ करने से पहले आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद यूज़ करने जाइएगा, और इस वीडियो को तो बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले दूसरी ट्रिक, यहाँ पर दूसरी ट्रिक क्या है, कोलैबोरेट। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कोलैबोरेट करते हैं, ये तो आपने भी देखा होगा, लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पर गलती क्या करते हैं आप लोग कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, भाई ये तो अच्छा कोलैबोरेट कर रहा है, मैं भी इसके साथ करूँगा, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर देते हो कि भाई ये मुझको प्रमोट कर दे, या वो मुझको प्रमोट कर दे, टेक्निकल होगी, या फिर यहाँ पर मनोज दे, ये सभी लोग मुझको प्रमोट कर दे, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको अपनी जो भी कैटेगरी है उसी लेवल का चैनल देखना है, वो भी आपकी कैटेगरी का, उसी कैटेगरी पर आपको
फोकस करना है कि अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर वाले के साथ कोलेब्रेशन जल्द से जल्द हो जाएगी। और अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर हैं या फिर 500 सब्सक्राइबर हैं, दोनों कोलेब्रेट कर सकते हैं। 100% जेन्युइन है ये, और ये वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने यूट्यूब चैनल चेक किए हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए यहाँ पर अप्रोच करते हैं कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो। भाई वो क्यों करेंगे प्रमोट? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आपको देखना है कि यूट्यूब चैनल कौन है, जो मेरी कैटेगरी के उसी पर जाके आपको ये सब चीज़ें बतानी है कि भाई आप और मैं कोलेब्रेट करते हैं, जिससे हमारे सब्सक्राइबर और प्लस व्यू प्लस वॉच टाइम सभी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये दो ट्रिक पसंद आई होगी। अब चलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। सो दोस्तों, तीसरी ट्रिक आप जानते होंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अगर आप करके रखेंगे तो आज तो नहीं आएंगे आपके वीडियो पर व्यू। और दोस्तों ऐसा ही मेरे पास होता है, मेरे जो भी वीडियो हैं आप चेक करिए, अभी तो इन पर व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जो आज नहीं तो कल यहाँ पर व्यूज आएंगे, और दोस्तों उन पर आते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं एक वीडियो डालकर उसको भूल जाता हूँ, मैं दूसरा वीडियो में दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने उसका SEO अच्छा तगड़ा कर रखा होता है जो आज नहीं तो कल मेरा वीडियो रैंक जरूर करती है। तो SEO आपको अच्छे से करना है, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप चलते हैं चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेड है, लेकिन दोस्तों आपको उसको करने से फ़ायदा होगा और ये 100% जेन्युइन है, आपको व्यूज सब्सक्राइबर सभी कुछ देता है। तो यहाँ पर आ जाता है गूगल एड्स। आपने सुना होगा गूगल एडवर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है और दोस्तों एडवांस है तभी आप करिए, पर्सनल पैसे को यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर लेस भी देखने को घाटा भी लग सकता है, अगर आपके वीडियो में दम नहीं होगा, आप सभी के पास पहुँचाओगे तो प्लीज़ यार अपने वीडियो को इम्प्रूव करिए, उसकी जो भी नॉइस वगैरह है या फिर कोई बैकग्राउंड है या फिर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कर लेना है। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई कैमरा ले लो या फिर DSLR ले लो या कुछ ले लो, ऐसी चीज़ मैं नहीं कह रहा। मैं अपने जो भी कंटेंट है उसको दूसरे को देखने में अच्छा लगना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, नॉलेजबल हो। आपकी सभी वीडियो में आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि आपने 10 वीडियो बनाए तो 10 वीडियो में से सबसे अच्छे व्यूज़ किस में आ रहे हैं, उसी को आपको प्रमोट करना है। तो यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर चारों पॉइंट्स बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो 100% आपके चैनल पर इम्प्रूवमेंट होगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन में आपको दो अच्छे अच्छे वीडियो दिख रहे हैं, काफ़ी नॉलेजबल वीडियो हैं, उनको देखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।